हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का प्रभावती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ रहे थे कार, ठीक है, वॉल बॉक्स का अध्ययन किया था। कौन सा जीनस पढ़ा था? कार, सॉरी वॉल बॉक्स पढ़ा था। आज हम नया जीनस स्टार्ट करने वाले हैं, वह जीनस है कॉलियोपी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट जीनस है, वह क्या है? कॉलियोपी। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम इसके अध्ययन में तीन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है इसका वह है क्लासिफिकेशन एंड अक्रेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन एंड अक्रेंस, ठीक है। दूसरा जो मुख्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह क्या है? थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। तथा लास्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह क्या है? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉलियोपी तो क्या है? एक शैवाल है, ठीक है। कौन से वर्ग में आता है? यह आता है हमारे क्लोरोफाइट्स वर्ग में। इसका जैसे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि ये फर्स्ट यूनिट में कौन सी गैस है हमारी? क्लोरोफाइट्स है, ठीक है। कौन सी है? क्लोरोफाइट्स है। तो कॉलियोपी जो जीनस है कौन सी गैस के अंतर्गत आता है? क्लोरोफाइट्स के अंतर्गत आता है। तथा इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, क्या ऑर्डर जो है वह है कीटोफोरेल्स, ठीक है। क्या है? कीटोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, ठीक है। ऑर्डर क्या है? कीटोफोरेल्स। ऑर्डर के बाद आता है हमारा फैमिली, ठीक है। क्या आती है? फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली जो है इसकी वो क्या है? कॉलियोकीटेसी, ठीक है। क्या है? कॉलियोकीटेसी, कॉलियोकीटेसी। तथा जो जीनस है वह है कॉलियोकीट, ठीक है। क्या है? कॉलियोकीट। ये हमारे इस कॉलियोकीट एलिस का क्या है क्लासिफिकेशन? कौन सी क्लास के अंतर्गत? क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेस, फैमिली कॉलियोकीटेसी, तथा जीनस कॉलियोकीट, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है। अक्रेंस देखिए इसका हम, क्या है अक्रेंस, ठीक है। अक्रेंस में ही देखते हैं कि जो फॉलियो की शैवाल है वह मोस्टली कैसे जल में पाया जाता है? स्वच्छ जलीय शैवाल है। कैसा शैवाल है? स्वच्छ जलीय शैवाल है, जो कि मोस्टली किस प्रकार के जल में पाया जाता है? शांत जल में, ठीक है। किस में पाया जाने वाला शैवाल है? शांत जल कुंडों में पाया जाने वाला शैवाल है। शांत जल कुंडों में पाया जाता है। जाता है कि जो कॉलियोकीट है, ठीक है, उसकी विश्व में, ठीक है, कब कहाँ पर विश्व में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? केवल इसकी 10 स्पीसी विश्व में पाई जाती हैं। तथा इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इंडिया में इसकी केवल और केवल कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 4 जातियाँ पाई जाती हैं। कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 4 जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वे जातियाँ? इंडियन स्पीसीज कौन कौन सी है? इंडियन स्पीसीज तो वो है, पहली जो है वह है कॉलियोकीट सोल्यूटा, ठीक है। कौन सी है? कॉलियोकीट सोल्यूटा, ठीक है। दूसरी जो स्पीसीज है वह है कॉलियोकीट स्क्यूटेटा, ठीक है। कौन सी है? कॉलियोकीट स्क्यूटेटा। थर्ड जो स्पीसीज है इसकी जो पाई जाती है वह है कॉलियोकीट ऑर्बिक्युलेरिस, और भी क्यूलेरिस पाई जाती है। तथा फोर्थ जो जाति पाई जाती है इंडिया में वह है कॉलियोकीट नाइट्रेलेरम, ठीक है। कौन सी है? कॉलियोकीट नाइट्रेलेरम, कॉलियोकीट नाइट्रेलेरम। ये 4 जातियां हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। वो कौन सी जातियां हैं? कॉलियोकीट सोल्यूटम, कॉलियोकीट स्क्यूटेटा, कॉलियोकीट ऑर्बिक्युलेरिस, तथा कॉलियोकीट नाइट्रेलेरम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्वच्छ जलीय शैवाल है जो कि मोस्टली कहाँ पर? शांत जल कुंडों में पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? हमारी क्लासिफिकेशन एंड अक्रेंस की। ये क्या है? क्लासिफिकेशन एंड अक्रेंस। इसके बाद देखते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या देखते हैं? थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है?
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो फील्ड का वह है थैलस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या है? थैलस की मॉर्फोलॉजी या थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलियोकीज का जो थैलस होता है, ठीक है, वह कैसा होता है? सूक्ष्म थैलस। ठीक है, इसका थैलस कैसा पाया जाता है? सूक्ष्म थैलस पाया जाता है। इसका जो आकार होता है, ठीक है, थैलस का जो आकार होता है लगभग कितना होता है? 1 से 2 mm। ठीक है, कैसा होता है इसका आकार? 1 से 2 mm होता है। कोलियोकीज जो है, ठीक है, कैसा प्रतीत होता है? पिन के हेड जैसा। ठीक है, पिन का जो सिर होता है, हेड होता है हमारे, उसके जैसे पिन के हेड जैसा इसकी आकृति प्रतीत होती है। ठीक है, कैसी आकृति प्रतीत होती है? सूक्ष्म तैला से इसका आकार 1 से 2 mm होता है तथा आकृति पिन के हेड जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि इसके जो थैलस होता है, इसके थैलस में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, थैलस कितने प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है? 2 प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है। फर्स्ट प्रकार के जो तंतु होते हैं उन तंतुओं को कहते हैं हम श्याम तंतु। ठीक है, कौन से तंतु? श्याम तंतु, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोस्ट्रेट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट फिलामेंट। ठीक है, कौन से फिलामेंट? प्रोस्ट्रेट फिलामेंट। ठीक है, पहले जो तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोस्ट्रेट फिलामेंट श्याम तंतु। ये कौन से तंतु होते हैं? वह तंतु जो कि थैलस के कैसे जमीन के या भूमि के कैसे स्थित होते हैं? समानांतर स्थित होते हैं। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं? किस स्थिति में होते हैं? भूमि के समानांतर, भूमि के समानांतर स्थित होने वाले तंतु, स्थित पाए जाने वाले, स्थित होने वाले स्थित तंतु जो होते हैं उन तंतुओं को क्या कहा जाता है? श्याम तंतु कहते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? भूमि के समानांतर स्थित तंतु जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? श्याम तंतु कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो सेकंड तंतु होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, वह होते हैं ऊर्ध्व तंतु। ठीक है, ऊर्ध्व तंतु, ऊर्ध्व तंतु क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम इरेक्ट फिलामेंट। ठीक है, कौन से? इरेक्ट फिलामेंट। ठीक है, सेकंड जो तंतु है वह क्या है? इरेक्ट फिलामेंट। ये किस प्रकार के तंतु होते हैं? ऊर्ध्व फिलामेंट जो होते हैं यह भूमि के संकोण पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? भूमि के संकोण पर स्थित। ठीक है, भूमि के संकोण पर स्थित पाए जाने वाले जो तंतु होते हैं उन तंतुओं को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व तंतु या इलेक्ट्रिक फिलामेंट कहा जाता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो कोलियोकीज होते हैं, का थैलस होता है, वह इन 2 प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है, श्याम तंतुओं से और ऊर्ध्व तंतुओं से निर्मित होता है। अब इसके थैलस में क्या पाई जाती है? कोलियोकीज का थैलस जो है 2 प्रकार की आकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की आकार की प्रदर्शित करता है। देखते हैं कैसे कि थैलस मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसका जो थैलस होता है, ठीक है, थैलस 2 प्रकार की आकार की प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2 प्रकार की आकार की दिखाता है। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि कोलियोकीज की जो जातियां होती हैं उनका थैलस अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट प्रकार का जो थैलस है हमारा वह होता है गद्दी समान थैलस। गद्दी समान थैलस पहले प्रकार का जो तंतु है, सॉरी थैलस है, वह कैसा होता है? गद्दी समान थैलस अर्थात कुशन लाइक। ठीक है, कुशन लाइक थैलस। ठीक है, पहले प्रकार का थैलस। सेकंड स्टेप का जो थैलस होता है वह होता है हमारा डिस्क लाइक थैलस। ठीक है, कैसे? डिस्क नुमा थैलस होता है। सेकंड थैलस कौन सा होता है? डिस्क नुमा थैलस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्क लाइक थैलस। डिस्क लाइक थैलस। इस प्रकार से 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं कोलियोकीज में। पहले तो होते हैं गद्दी समान थैलस और दूसरे प्रकार के थैलस कौन से होते हैं? डिस्क नुमा थैलस होते हैं। अब ये किस प्रकार से इनकी आकार की होती है वो देखते हैं कि जो गद्दी समान थैलस होते हैं, ठीक है, इनकी
संरचना देखें हम, स्ट्रिंग की संरचना इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसमें, ठीक है। गद्दी सामान जो थैलस होता है, इनकी इस प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। इनके जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अनेक एक कोशिकीय सेवाओं से निर्मित होता है, ठीक है। यह जो है, ठीक है, कैसा होता है थैलस, इसका विषम तंतु की, ठीक है। अब विषम तंतु की होता है थैलस, जैसे दो प्रकार के तंतु मैंने बताई, ठीक है। अब जो गद्दी सामान थैलस होता है, इनका जो निर्माण होता है, इसमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार के दोनों प्रकार के तंतु उपस्थित होते हैं। यह तंतु जो क्या होते हैं, भूमि के समानांतर स्थित होते हैं, उन तंतुओं को क्या कहा जाता है, हम शांत तंतु, ठीक है। कौन से तंतु, शांत तंतु होते हैं जो कि सर्वप्रथम विकसित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले थैलस में कौन से तंतु विकसित होते हैं, शांत तंतु विकसित होते हैं, और शांत तंतुओं से किसका विकास होता है, मृदु तंतुओं का विकास होता है। इसका विकास होता है ऊर्ध्व तंतुओं का विकास होता है। शांत तंतुओं से कौन से तंतुओं का, ऊर्ध्व तंतु विकसित होते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि जो गद्दी समान थैलस होते हैं, उसमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, शांत तंतु उपस्थित होते हैं और ऊर्ध्व तंतु उपस्थित होते हैं। सबसे पहले शांत तंतु विकसित होते हैं, जो कि भूमि के समानांतर विकसित होते हैं, तथा शांत तंतुओं से ही कौन से इरेक्ट फिलामेंट्स या ऊर्ध्व तंतुओं का विकास होता है। इरेक्ट फिलामेंट्स में क्या पाए जाते हैं, हमारे जननांग स्थित होते हैं, ठीक है। क्या स्थित होते हैं, जननांग स्थित होते हैं, कि मादा जननांग यूगोनियम, ठीक है, तथा नर जननांग, ठीक है, नर जननांग एंथ्रीडियम अर्थात कुंठानी, नर जननांग कुंठानी। ऊर्ध्व तंतुओं पर जननांगों का विशेष, ऊर्ध्व तंतुओं के शीर्ष पर क्या विकसित होते हैं, कुंठानी और अंडधानी विकसित होते हैं। अब इसको गद्दी समान थैलस क्यों कहा जाता है, कि इसके जो थैलस होते हैं, जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, ये आपस में क्या बना लेते हैं, अंग समूह का निर्माण कर लेते हैं, इसका निर्माण कर लेते हैं, समूह का निर्माण कर लेते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, हमको जब हाथ लगाते हैं, इसको छूते हैं, तो कैसे छूते होते हैं, गद्दी समान। जैसे हम देखते हैं कि हमारे क्या पाई जाती है, ये गार्डन्स में हम ग्रास उगाते हैं, घास उगाते हैं, ये जब सामूहिक रूप से घासों को हाथ लगा कर देखें, तो कैसे प्रतीत होते हैं, गतिनुमा प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से जो गद्दी समान थैलस में जो हमारे ऊर्ध्व तंतु है, सामूहिक रूप से किसका निर्माण कर लेते हैं, गद्दी समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के थैलस को क्या कहा जाता है, गद्दी समान थैलस कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है कॉलियोकीट पल्मीनेटा, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल, कॉलियोकीट पल्मीनेटा नामक जाति में इस प्रकार का थैलस पाया जाता है, ठीक है। एक बार और सुन लें, गति समान थैलस क्या होता है, ठीक है। गति समान थैलस वह थैलस होता है जिसमें तो इस गति समान थैलस का विकास दोनों प्रकार के तंतुओं से होता है, जिसमें वो शांत तंतु तथा ऊर्ध्व तंतु दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, भूमि के समानांतर शांत तत्व विकसित होते हैं, इन शांत तत्वों से किसका विकास होता है, ऊर्ध्व तंतुओं का विकास होता है। ये सभी जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, सामूहिक रूप से समूह बनाते हैं, ठीक है, और समूह को लगाने के बाद किसका निर्माण करते हैं, गति समान संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको गति समान थैलस कहा जाता है। गति समान थैलस में जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, इनके शीर्ष पर जननांग विकसित होते हैं, तथा ये जाति में पाया जाता है, कॉलियोकीट पल्मीनेटा में पाया जाता है। दूसरा प्रकार का जो सेकंड थैलस होता है, वह होता है डिस्कनुमा थैलस, ठीक है। कौन सा थैलस होता है, डिस्कनुमा थैलस होता है। इस थैलस में क्या होता है, कि ये जो थैलस है, ठीक है, डिस्कनुमा जो थैलस है, इसमें जो ऊर्ध्व तंतु है, ठीक है, ऊर्ध्व तंत्र जो है, ऊर्ध्व तंतु जो है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व तंतु का जो ऊर्ध्व तंतु से निर्मित ऊर्ध्व तंत्र है, उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, तथा इस प्रकार के थैलस में केवल और केवल कौन से तंतु पाए जाते हैं, शांत
होते हैं। इसमें क्या होता है, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें हम, इस प्रकार की होती है, ठीक है, प्लेट लाइन या डिस्क लाइन स्ट्रक्चर होती है इसकी। इस प्रकार से गोल संरचना पाई जाती है इसकी। इसकी जो संरचना होती है बाहर से किस प्रकार से दिखाई देती है, इस प्रकार से कार्बननुमा दिखाई देती है। इस प्रकार से इसकी कोशिका की आकृति होती है, ठीक है, कोशिका की जो आकृति होती है वह कैसी होती है, अनेक आकृति की पाई जाती है, बहुभुजाकार, ठीक है, बेलनाकार, ठीक है, बहुभुजाकार की बेलनाकार, चतुर्भुजी, ठीक है, चतुर्भुजी आदि आकार की कोशिका उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में क्या होता है, सेंट्रल में, ठीक है, साइड में क्या उपस्थित होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस उपस्थित होता है, क्या पाया जाता है, एक केंद्रकीय केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात कोशिका जो है वो कैसी होती है, एक केंद्रकीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्या पाया जाता है, समजीवित्र में पाया जाता है तथा इसमें एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, एक पटलित क्लोम में पाया जाता है, ठीक है, परिधीय पटलित क्लोम में उपस्थित होता है जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, एक पाइरोमेट, ठीक है, यानी ये कैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्या जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, एक परिधीय पटलित रूप में पाया जाता है, ठीक है, किस रूप में, एक परिधीय पटलित रूप होता है,
ठीक है, तथा इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, पाइरेनोइड युक्त होता है। समिति कोशिका की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, पाइरेनोइड एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, वो विशिष्ट संरचना क्या होती है, शूट, ठीक है, क्या होती है, इनमें शूट नुमा संरचना पाई जाती है, एक आटे नुमा संरचना प्रदर्शित होती है, जिसका जो आधार होता है वो कोशिका के अंदर क्या होता है, अंतःस्थापित होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है, अंतःस्थापित पाया जाता है, यह इसकी मुख्य विशेषता होती है कोशिका संरचना की। तो कोशिका संरचना देखिए सिंपल सी है इसकी, इसका कोशिका जो होती है बहुभुजाकार, बेलनाकार, चतुर्भुजी आदि अनेक आकारों में पाई जाती है, तथा कोशिका एक केंद्र जो होती है इसमें बड़ा वृक्ष पाया जाता है, तथा इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक परिधीय पट्टी फॉर्म में पाया जाता है, तथा पाइरेनोइड होता है, तथा इसकी कोशिका में क्या होता है, एक सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, जिसका आधार जो होता है वो कोशिका के अंदर अंदर स्थापित होता है। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, ये सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखें सेल स्ट्रक्चर के पश्चात, ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पॉलीफेज में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से संपन्न होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन, पॉलीफेज में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है, दो प्रकार का जनन पाया जाता है, ठीक है, पहला जो जनन है वह क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वह क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए जो होता है पॉलीफेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से क्या होता, अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता, केवल और केवल कौन से जन्म पाए जाते हैं, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दो किसके द्वारा होता है, दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। पहले प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो होता है वाई जूस्पोर, ठीक है, किसके द्वारा, वाई जूस्पोर, तथा सेकंड जो होते हैं वो किसके द्वारा होता है, वाई एक्लामोस्पोर, ठीक है, वाई एक्लामोस्पोर अर्थात चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, और सेकंड जो होते हैं वे होते हैं इसके अचल बीजाणु द्वारा, इसके द्वारा अचल बीजाणु द्वारा, ठीक है, अलैंगिकरण जो होता है दो प्रकार के बीजाणु के द्वारा होता है, जूस्पोर और वाई एक्लामोस्पोर। पहले किसी देखते हैं कि जूस्पोर चल बीजाणु द्वारा अलैंगिकरण किस प्रकार से कंप्लीट होता है, ठीक है, जो चल बीजाणु होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कि जो चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु का निर्माण, ठीक है, चल बीजाणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, चल बीजाणु धानी में, कहाँ पर होता है, चल बीजाणु धानी में होता है, इनको बोलते हैं हम जूस्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजियम, ठीक है, जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम जो है किस प्रकार से विकसित होते देखते हैं कि थैलस की कोई भी कोशिका, ठीक है, थैलस की कोई भी कोशिका जो है, कोई भी सेल जो है वह क्या करती है, आकार में वृद्धि करती है, क्या करती है, आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है, इसका केंद्र कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, केंद्र जो है कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तथा कोशिका का जीव द्रव्य जो है वह कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है। यह जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, हमारी जूस्पोरेंजियम के रूप में, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है, जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। जूस्पोरेंजियम के केंद्र में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जूस्पोरेंजियम का जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो जूस्पोर होता है, ठीक है, वह
क्या है या अनेक कोशिकाएं उपस्थित है, ठीक है। इनमें से गमका यह थैलस की कोशिकाएं हैं, इनमें क्या है ये एक नेत्र उपस्थित होता है, नेत्र में कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा थैलस तंतु, थैलस तंतु, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक कोशिका देखें तो कोई भी एक कोशिका जो है वो क्या करेगी, आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाती है, नेत्र में कैसा हो जाता है इसका, सघन हो जाता है, ठीक है। नेत्र में कैसा हो जाएगा इसका, सघन हो जाता है, यह उनका गोल मोटी हो जाती है। अब इसका जो जीव द्रव्य है, ठीक है, इसकी जो अंतःवृत्ति होती है कोशिका की, कोशिका जीवनी होती है, वह उसका जो है केंद्र जो है वो किस प्रकार से इस प्रकार से इसमें आ जाता है और यह बाहर निकल जाता है, ठीक है। यह जो केंद्र है वह आगे जाकर इसमें बाहर निकल जाता है, स्फुटित हो जाता है, बीजाणु धानी फट जाती है। यह किसके रूप में कार्य कर रही है, न्यूस्पोरेंजियम के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, न्यूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर जो है वो क्या है कि यहाँ पर न्यूस्पोर क्या होता है बाहर आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और स्टार्टिंग में न्यूस्पोर होता है वो कैसा होता है, हमारा बाई ग्रेनुलर होता है जिसमें केंद्र उपस्थित होता है तथा एक पटल के रूप में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, पटल के रूप में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये क्या है, बेसल सेल और सेकेंडरी अपर सेल, अपर सेल, ठीक है। अपर सेल जो होता है इसमें जो शीट होता है वो किसके रूप में कार्य करता है, क्रिस्टल के रूप में अर्थात शूट के रूप में कार्य करता है। आगे इन दोनों में क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवीजन होते हैं, ठीक है, निरंतर रूप से क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा जो बेसल कोशिका है, जो आधारीय कोशिका है, इससे कुछ प्रकार के तंतु का विकास हो जाता है, शान तंतु विकसित हो जाते हैं, उनसे तंतु शान तंतु विकसित होते हैं आगे जाकर, तथा जो ऊपरी कोशिका है इससे किस प्रकार के तंतु विकसित हो जाते हैं हमारे, ठीक है, इस प्रकार से ऊर्ध्व तंतु का विकास हो जाता है। किसका विकास होता है, ऊर्ध्व तंतु का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो ये है इसके जर्मिनेशन के द्वारा निर्माण होता है, इसके द्वारा जो इस स्पोर के द्वारा, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं हम एक बार, चलबुजाणु के द्वारा तारागी जन्म किस प्रकार से होता है कि थैलस तंतु जो है, थैलस तंतु की कोई भी एक कोशिका जो है वह आकार में कैसी हो जाती है, फूलकर छोटी हो जाती है, केंद्रक बड़ा हो जाता है, सघन केंद्र में युक्त हो जाती है। यह जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, जो स्पोरेंजियम चलबुजाणु धानी के रूप में कार्य करती है। चलबुजाणु प्रारंभिक अवस्था में न्यूस्पोर कैसा होता है, ब्राइट फ्लैजेलेट होता है, प्रशाबिक होता है जिसमें केंद्रक तथा एक पाइलोनयुक्त क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। उस समय के पश्चात जो न्यूस्पोर है वो कैसा हो जाता है, नॉन फ्लैजेलेटेड ग्रुप फॉर्म में आ जाता है। उस समय तक इसी उसमें बना रहता है, लेकिन जब अंकुर परिस्थितियां आती हैं तो इसमें क्या होता है, न्यूस्पोर में अंकुरण होता है, अंकुरण के द्वारा
हुआ है, विज्ञान के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, भोजन तत्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें किसका विकास होता है, जो स्पोर के द्वारा अलैंगिकरण होता है। दूसरे प्रकार का जो अलैंगिकरण है वह किसके द्वारा होता है, अचल जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है भाई, एक जीवाणु स्पोर। इसमें क्या होता है कि जो जल विज्ञान का निर्माण होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन ये जो एग्जाम स्पोर द्वारा जो निर्माण होता है, अचल जीवाणु का निर्माण होता है, थैलस की कोई सी भी एक तंतु कोशिका केवल और केवल परिवर्तित होता है, जल विज्ञान का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि अचल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।